में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो दे आर रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर, बराबर। तो अगर हमको स्किन की पूरी जानकारी हो अच्छी तरीके से, डीप नॉलेज वी कैन से, तो हम प्रोडक्ट किसको क्या यूज करना है वो समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम डीपली स्किन का नॉलेज देंगे और लेंगे, तो जो हम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं और जिसका हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा स्किन का नॉलेज हम लेंगे, ठीक है। लिटिल इट इज नॉट वेरी डीप, बट एवरीबॉडी शुड नो दिस। तो पहला हम जानेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो सिस्टम से बने हैं, राइट। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इंटेस्टाइन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स। तो इस सिस्टम से हमारी बॉडी बनी है। तो उस बॉडी के जो सिस्टम है वो कहाँ से बने हैं, तो ऑर्गन से बने हैं। विविध ऑर्गन मिला के एक सिस्टम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लेते हैं, तो उसमें क्या आता है, हमारे लंग्स आते हैं, है ना। देन हम ये करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसके लिए जो जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उससे एक सिस्टम बन जाता है, राइट। और ये जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे बनते हैं, हर एक सिस्टम में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो कैसे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं। और ये टिश्यूज जो है, अलग अलग टिश्यूज, वो कैसे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे न्यूनतम छोटा सा छोटा पार्ट कौन सा है, सेल्स, बराबर। तो हम सेल्स के ऊपर हर एक प्रोडक्ट का काम करेंगे, देन एंड देन ओनली वी विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी हम इंटरनल सिस्टम्स के बारे में नहीं बात करेंगे, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, बराबर। तो ये है स्किन। ये हमारी स्किन जो है वो ऊपर से दिखती है और अंदर से ऐसी होती है। तो हमारे स्किन के लेयर्स, अभी यहाँ सब ब्यूटिशियन है सबको मालूम होगा ही, लेकिन फिर भी बताती हूँ। हम जो दिखते हैं, हमें जो दिखती है, जो बाह्य त्वचा हम बोलते हैं, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। और जो अंतर त्वचा है उसको बोलते हैं डर्मिस। अभी हम जो काम करते हैं ब्यूटिशियन, हम काम किसके ऊपर करते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर, बराबर। एपिडर्मिस यानी हमारी जो बाह्य त्वचा है इसके ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन डू यू नो इस बाह्य त्वचा को क्या क्या चाहिए। देखो हम स्किन के ऊपर काम करेंगे, हमको क्या चाहिए, लस्टरस स्किन चाहिए, बराबर। ग्लोइंग स्किन, लस्टरस स्किन, जिसके ऊपर दाग धब्बे ना हो, ऐसी स्किन हम मानते हैं कि अच्छी है। हर एक चाहता है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, अच्छी हो, उसके ऊपर कुछ दाग धब्बे ना हो, पिंपल्स ना हो, पोस्ट एक्ने स्कार्स ना हो, डल ना हो, ड्राई ना हो। सबको अच्छा लगेगा ना, अरे तेरी स्किन कितनी अच्छी है, क्या लगाती है, क्या करती है। लेकिन जो हमारी बाह्य त्वचा है उसके ऊपर जो लस्टर आता है, उसके ऊपर जो ग्लो आता है, वो किससे आता है, तो जो डर्मिस में जो सब है, डर्मिस यानी अंतर त्वचा। तो अंतर त्वचा में क्या क्या है, नर्व्स है, और सेंसेसरी नर्व जो है वो भी अंदर है। बहुत कम सेंसेसरी नर्व हमारे डर्मिस एपिडर्मिस में रहते हैं। और जो सुडाफिलस ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड्स है, तैलीय ग्रंथि और धर्म ग्रंथि जो होते हैं वो सब एपिडर्मिस में रहते हैं। और ये सब जो है, और एम्पल ब्लड सर्कुलेशन जो डर्मिस में रहता है। देखो अगर हमको खरोच आ गए, खरोच आ गई तो क्या हो जाएगा, स्किन निकलेगी उधर से ज्यादा थोड़ी डीप खरोच आएगी तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, पेन होगा, कुछ दिनों में हमारी जो वुंड है वो भर जाएगी और अंतर त्वचा बाहर आ जाएगी। तो अंतर त्वचा जो बाहर आती है वो कैसी दिखती है, अच्छी दिखती है ना, उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्किन वेयर एंड टेयर में हो जाती है, देन अभी ये धूप है, छाव है, बाहर हम घूमते हैं, तो उस सब का असर हमारे एपिडर्मिस के ऊपर हो जाता है।
और इसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो जाती है। खराब यानी व्हाट? पहला जो हमारा प्रॉब्लम रहता है हर एक का, अब इधर ब्यूटिशियन है, सबके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्यों आते हैं? उनको गोरा दिखना है ना, हमको गोरा दिखना है, ग्लो चाहिए, मेरे यहाँ शादी है, मेरे यहाँ ये है वो है, लेकिन मुझे अच्छा दिखना है, बराबर। और सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबको जितना एज है एज से ज़्यादा 10 दिन बरस तो कम दिखना है। सो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स एंड पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन एंड स्कार ट्रीटमेंट, दीज आर मेन ट्रीटमेंट्स जो हमको करना होता है। तो इसके लिए हमको ध्यान कहाँ देना होता है? डर्मिस पे। अगर हम डर्मिस पे ध्यान देंगे तो इसके रिजल्ट्स हमको एपिडर्मिस में दिखाई देंगे, बराबर। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो अंदर तक काम करना चाहिए, तभी हमको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो हम चाहते हैं। अभी हमारे पास कौन से क्लाइंट आएंगे? टैन है, टैनिंग के ज़्यादा आते हैं ना, पिगमेंटेशन के ज़्यादा आते हैं, पिंपल्स वाले ज़्यादा आते हैं, देन पिंपल्स होने के बाद पोस्ट स्कार्स वाले ज़्यादा आते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी एजिंग पील। तो अभी हम सीखेंगे एटोमी के कौन कौन से प्रोडक्ट है और वो कौन कौन से हमारे सेल्स के ऊपर काम करेंगे। थोड़ा सा सेल्स के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि हमको सेल्स के ऊपर ही काम करना है। देखो हमने क्या पहले देखा, हमारी बॉडी पेशी से बनी है, सेल्स से बनी है, बराबर। जितने हमारे सेल्स अच्छे रहेंगे, रिपेयर रिज्यूवेनेट रहेंगे, उतनी हमारी फुल बॉडी अच्छी रहेंगी। अभी बॉडी का ही एक ऑर्गन है स्किन, तो हमारे हमको क्या करना है, स्किन के सेल्स के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर स्किन के सेल्स अच्छे होंगे, जितने हम अच्छे बनाएंगे उतनी वो हमारी स्किन अच्छी रहेंगी। वो एक रात का काम है क्या? नहीं है। अगर हम बीमार भी पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, हमको दवाई देते हैं तो 3 मंथ्स का तो दवाई देते हैं ना, क्योंकि हमको क्या, उनको अंदर से रिपेयर करना है पहले, फिर रिबिल्ड करना होता है एंड फिर रिजुवेनेट करना होता है। तो ये 3 प्रोसेस से जाने के लिए हमारा एक सेल है वो पूरा बदलने के लिए हमें 3 मंथ्स की ज़रूरत रहती है। आपको मालूम है हमारे सेल्स बदलते रहते हैं अंदर के भी और बाहर जो हमारी स्किन दिखती है उसके भी। वो सेल्स हम जब छोटे रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में तैयार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 25, यू कैन से दैट आफ्टर 25 वी स्टार्ट एजिंग, हमारा एजिंग ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम 25 जब रहते हैं तब इतना ध्यान देते हैं क्या? नहीं रहते। आजकल की लड़कियाँ देती हैं, उनको मालूम है कि अगर हम आज से हमारी स्किन की देखभाल करेंगे देन ऑन ओनली दे विल गेट द रिजल्ट्स एट द एज ऑफ 40। उनकी 40 की एज होगी, लेकिन जब उनको लोग बोलेंगे अरे तेरी उम्र 40 की है लेकिन तू लगती है 25 की और 30 की, कैसे? सो इट इज अ प्रोसेस, यू कांट अचीव दिस इन अ 1 डे और 2 डेज, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एज आई सेड 3 मंथ्स का तो आपको टाइम देना ही है। बीइंग ब्यूटिशियन और इधर और कोई डॉक्टर्स वगैरह हो गए तो आपको मालूम है कि, और हम सबको मालूम है, जितने हमारे अंदर के सिस्टम न्यूट्रिएंट्स होंगे तितने उसकी रिफ्लेक्शन हमारे स्किन के ऊपर रहेगी। क्योंकि क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में अगर हमको डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी है तो आपकी स्किन डल लगेगी, B12 की डेफिशिएंसी है तो भी आपकी स्किन डल लगेगी, आपके बाल गिरेंगे, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसका रिफ्लेक्शन आपके स्किन के ऊपर पहले आएगा और बालों के ऊपर। तो अंदर से भी न्यूट्रिशन होना जरूरी है और बाहर से भी। अगर आपको बाहर से न्यूट्रिएंट्स देने हैं स्किन को तो क्या क्या लगने वाले हैं ये आज हम देखेंगे, ठीक है। अभी स्किन केयर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबको हमारा बेस्ट प्रोडक्ट मालूम है इवनिंग केयर किट। इवनिंग केयर किट क्या क्या करता है, वो कैसे काम करता है, किसके ऊपर
इवनिंग केयर के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं दैट वी विल सी डेमो विथ फेशियल. ओके, आर यू रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दैट? यस. सो आई वुड लाइक टू कॉल अवंती मैम, मंजुश्री मैम एंड पेंगिंग मैम ऑन द